दोस्तों साल 1998 में बॉलीवुड की बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में से एक दूल्हे राजा, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन, कादर खान, जॉनी लीवर जैसे मांझे हुए कलाकार आपका मनोरंजन करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था हरमेश मल्होत्रा ने और इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी राजीव कौल ने। दोस्तों दूल्हे राजा एक ऐसी फिल्म है जो आप सबने अपनी जिंदगी में एक बार जरूर देखी होगी। इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्टारकास्ट सब बेहतरीन थी और आज भी ये फिल्म आपके जहनों में बनी हुई है। आज भी अगर ये फिल्म टीवी पे आए तो आपको बिल्कुल नई जैसी लगेगी और आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे इसको देख के, इतनी बेहतरीन मूवी है। दोस्तों आपको बता दूं, फाइनली अब इस फिल्म के रीमेक के चर्चे हो रहे हैं। इस फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने इस फिल्म के सभी राइट्स को खरीद लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SRK अपने रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर इस फिल्म का रीमेक बनाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के सभी राइट्स को खरीद लिया है। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं फरहाद सामजी, जो कि अभी बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को डायरेक्ट कर रहे हैं। और जैसे ही किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो दूल्हे राजा की स्क्रिप्ट पे भी काम शुरू कर देंगे। हालांकि इस फिल्म की स्टार कास्ट में कौन कौन नजर आएगा ये भी सामने नहीं आया है, लेकिन दोस्तों इतनी बेहतरीन फिल्म को अगर रीमेक करके आज बनाया जा रहा है तो इसकी स्टार कास्ट भी बेहतरीन होनी चाहिए। आप इस नई दूल्हे राजा में किसे देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें।